अल्लाह आज हम लोग एफ एस सी पार्ट वन फिज़िक्स का जो हमारे पास टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर्स उसको हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में तमाम एग्जाम्पल्स और नूमेरिकल्स रिलेटेड टू द अनसर्टेंटीज हमने वो कम्प्लीट कर ली थी अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है वो देख सकते हैं या फिर मेरे चैनल पर विजिट कर लें सबसे पहले यहाँ पे सिग्निफिकेंट फ़िगर्स की डेफिनेशन गिवन है कि हमारे पास के पी के बोर्ड की बुक है जो कि फेडरल में भी अब चल रही है तो अ सिग्निफिकेंट फिगर इज़ द वन डैट इज़ रीलेबली नोन जो कि हमें बिल्कुल पता हो एक हमारे पास सिग्नीफेंट फिगर किसे बोलते हैं जो कि हमें बिल्कुल पता हो इन एनी मेजरमेंट किसी भी मेजरमेंट में दर एक्यूरेटली नॉन डिजिट एक हमें जो हमें बिल्कुल एग्जैक्ट पता होता है वो डिजिट और फर्स्ट डाउटफुल डिजिट और जिसमें हमें शक हो वो वाली डिजिट पहला उसको हम लोग उन दोनों को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं सिग्नीफ़ेंट फिगर्स बोलते हैं एग्जाम्पल के तौर पर मैं आप लोगों को बताती हूँ तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मेरे पास एक नंबर की वन है जिस तरह टू पॉइंट एट सेवन मुझे ये पता है कि एग्जैक्टली exactly पता है कि टू पॉइंट एट है मेरे पास ये क्या है टू है मुझे ये पता है कि ये हमारे पास टू एक्जैक्टली मुझे मालूम है कि ये टू हमारे पास एक्यूरेटली नॉन है और जो हमारे पास एट है वो मुझे शक है कि एट है या फिर सेवन है या फिर सिक्स है तो इन दोनों को कलेक्टिवली मिला के मैं क्या बोलूँगी सिग्निफिकेंट फिगर बोलूँगी तो डेफिनेशन में हमें ये ही है आ सिग्निफिकेंट फिगर इज़ अ वन डैट इज रिलेबली नोन जो कि हमें बिल्कुल एग्जैक्ट पता हो इन एनी मेजरमेंट द एक्यूरेटली नॉन डिजिट एक हमें जो एक्यूरेटली uh, पता हो उसको और द फर्स्ट आवरफुल डिजिट उनको हम लोग कलेक्टिवली उनको दोनों को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं सिग्निफेट

पड़ेंगे आर सम रूल्स फॉलोड बाई द फॉलोड बाई डीलिंग विद सिग्निफिकेंट फिगर्स सबसे पहला पहला रूल क्या है हमारे पास पहला रूल क्या है कि नॉन जीरो डिजिट्स आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट यानी जो हमारे पास नॉन जीरो है यानी वन टू लेकर नाइन्थ तक वन से लेकर तक हमारे पास नॉन जीरो क्यों बनती है क्योंकि वन से लेकर तक हमारे पास सिंगल डिजिट्स आते हैं अगर मैं वन टेन पे जाऊँ तो टेन में हमारे पास जीरो और अलेवन में हमारे पास दो वैल्यूज हैं ट्वेल्थ थर्टीन फोर्टीन फिफ्टी इस तरह हमारे पास टू भी कंटिन्यू हमारे पास चलता रहता है और ये पास सिंगल भी नहीं है वन से लेकर तक सिंगल है और जीरो हमारे पास क्या है जीरो हमारे पास जब स्टार्ट में हो तो हमारे पास जीरो इन बिटवीन द टू सिग्निफिकेंट फिगर हमारे पास क्या होती है सिग्निफिकेंट होती है लेकिन जो जीरो हमारे पास लेफ्ट पे हो वो सिग्निफिकेंट नहीं होते जिस तरह मैं भी बोली कि जीरो मेरे पास है तो वो हमारा सिग्निफिकेंट नहीं होगा तो हम लोग पहले रूल की तरफ चलते हैं कि हमारे पास पहले रूल में क्या कहा है कि नॉन जीरो डिजिट्स आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट और उसके बाद हमें क्या कहा इन एग्जाम्पल द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन फोर्टी इसमें हमारे पास सिग्नीफियट फिगर कितने हैं गिनते हैं हम लोग इसको वन वन एक फोर है और एक सेवन है दो हो गए एठ एक एट है तीन हो गया चौथा सेवन है पाँचवा Uh, दो है तो उसके क्या मतलब है फिगर कितने हैं फाइव है ओके सेकंड मेरे पास जीरो इन बिटवीन टू सिग्निफिकेंट डिजिट्स इज़ ऑलवेज सिग्निफिकेंट दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान में जो जीरो होती है ना वो मेरे पास क्या होती है हमेशा सिग्निफिकेंट होती है द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन थ्री जीरो वन पॉइंट फाइव जीरो जीरो सिक्स इज सेवन कैसे हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन ठीक है क्योंकि जीरो मिड में है इसीलिए मिड की वजह से तो साइड पे जो सिग्निफिकेंट की वजह से दरमियान वाला भी सिग्निफिकेंट हो गया ओके नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है जीरोज़ टू द लेफ्ट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर जीरो हमारे पास जो लेफ्ट साइड पे होती है वो हमारे पास क्या होती है सिग्निफिकेंट नहीं होती सिग्निफिकेंट फिगर्स की लेफ्ट साइड पर जो होती है वो हमारे पास सिग्निफिकेंट नहीं होती सो so, यहाँ पे एक्जाम्पल गिवन है जीरो पॉइंट ट्रिपल जीरो फाइव थ्री एट एस थ्री यानी इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे पास कितना है क्योंकि ये चार जीरो लेफ्ट साइड पर है इसीलिए हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर कितने बोलेंगे तीन बोलेंगे क्योंकि एट फाइव एट

यानी कि पॉइंट वाले में हमारे पास क्या होते हैं कि जो हमारे पास राइट साइड पे जो जीरो होती है वहाँ पास क्या होती है सिग्निफिकेंट होता है ओके फाइव पॉइंट टू ट्रिपल डबल जीरो फाइव पॉइंट टू डबल जीरो देर आर फोर सिग्निफिकेंट फिगर्स वन फाइव टू टू uh, हमारे पास सेकेंड है और जीरो हमारे पास थर्ड है और हमारे पास लास्ट जीरो क्या है फोर तो इसमें पर फिगर कितने हैं फोर है ओके okay? जो हमारे पास हाउर इफ द इफ द नंबर इज़ एन इंटीजर अगर हमारे पास कोई नंबर इंटीजर हो इंटीजर किस बोलते हैं वन टू थ्री देन द नंबर ऑफ सिग्निफेंट फिगर्स डिपेंड्स अपॉन द लीस्ट अगर हमारे पास नंबर हमारे पास किस में हो पॉइंट में ना हो यानी हमारे पास बहुत ज़्यादा गिवन हो लेकिन उनके दौरान पॉइंट ना हो तो उसको किस पे डिपेंड करते हैं लीस्ट काउंट हो तो मेरिंग इंस्ट्रूमेंट मेरिंग इंस्ट्रूमेंट की लीस्ट काउंट पर डिपेंड करता है ओके इन एग्जाम्पल इन नंबर फाइव फाइव हंड्रेड थाउजेंड वी में है वन और टू और इवन सिक्स सिग्निफिकेंट फिगर्स इसमें हमारे पास वन भी हो सकता है टू भी हो सकता है और सिक्स भी हो सकता okay? uh, है ओके लास्ट हमारे पास फाइव है कि इन इन साइंटिफिक नोटेशन और स्टैंडर्ड फॉर्म द फिगर्स अदर देन पावर ऑफ टेन आर सिग्निफिकेंट साइंटिफिक नोटेशन में क्या होता है कि जो हमारे पास जो फिगर्स हैं पावर ऑफ़ टेन पावर ऑफ टेन के अलावा जो फिगर्स हैं वो हमारे पास क्या होते हैं सिग्निफिकेंट होते हैं अगर हम लोग यहाँ पे देखें यहाँ पे हमारे पास पावर ऑफ टेन में हमारे पास क्या लिखा हुआ है फोर लिखा हुआ टेन इज टू पार्ट फोर और हमारे पास ये वैल्यूज़ कितनी वन टू थ्री फोर फाइव तो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे फाइव कि होंगे इसको हम लोग भूल जाएंगे ओके लास्ट हमारे पास एक तौ, इसका सब टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर्स इन कैलकुलेशन अगर हम कैलकुलेशन रहे होंगे तब हम लोग कैसे सिग्निफेंट फिगर का ख्याल रख सकते हैं so uh, when we use a calculator to analyze problems or measurements we may be able to save this set and save time because the calculator can compute faster however the calculator does not keep track of significant, significant figures सो so, हम लोग जब कैलकुलेटर यूज़ करते तो हम हमारा टाइम तो हमारा ज़्यादा कंज्यूम होने से बच जाता है लेकिन अब ज़्यादातर ये नहीं होता कि कैलकुलेटर ही सिग्नीफिकट फिगर का रूल के भी ख्याल रखे हमें ख़ुद भी करना पड़ता है ओके तो हमारे पास फर्स्ट इसका सब टॉपिक है एडिशन एंड सब्टशन एडिशन में हम लोग क्या करते हैं वन टू और मोर क्वानिटीज़ आर एडिट और द रिजल्ट इज एज प्रिसाइज एज द लेस्ट काउंट ऑफ द द्वान्टीज लीस्ट काउंट लीस्ट एज द लीस्ट प्रिसाइज ऑफ द क्वान्टीज यानी जो हमारे पास सबसे कम जो प्रिसाइज वैल्यू होगी यानी जो एक्यूरेट वैल्यू होगी ना वही हमारे पास क्या होती है वही रिजल्ट, रिजल्ट as as हम करेंगे तो हम लोगों ने किसको सबसे हमारे जो की तादाद किस पर डिपेंड करेगी सबसे पास जो जिस, जिस हमारे पास हमार हमार रिजल्ट जो हमार गिवन होगा ना उसके जो लीस्ट नंबर हो जिसमें जिसमें लीस्ट नंबर होगा ना उसी, पे, उसी के मुताबिक हम लोग अपने और नंबर्स को रखेंगे ओके okay, आंसर में आफ्टर एडिंग और द रिजल्ट बाय कीपिंग ओनली एज मेरी रेसिमल प्लेसेस आर एन सिग्ली आर इन फिगर कंटेनिंग लीज डेसिमल प्लेसेस ऑफ द क्वान्टीज डेट वब्डेक्ट इसमें क्या आ गया है कि जब हम लोग एड और सब्जेक्ट कर लेते हैं ना तो रिज़ल्ट को राउंड करना है लेकिन उसमें हम लोगों ने उस रूल्स का भी ख्याल रखना है कि डेसीमल एज मैनी डेसिमल प्लेसेस आर इन फिगर कंटेनिंग लीज डेसीमल प्लेस ऑफ़ द क्वान्टीज यानी उसको हम लोगों ने पॉइंट uh, को ज़्यादा दूर नहीं लेके जाना ठीक है एक के बाद रखने सब्जेक्ट और एड करते हुए उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट पेज है यहाँ पे हमें कहा कि फॉर एग्जाम्पल फोर्टी फोर पॉइंट फाइव सिक्स जीरो जीरो फाइव प्लस जीरो पॉइंट जीरो सिक्स नाइन एट प्लस अलेवन जीरो थ्री पॉइंट टू हमारे पास ये प्लस करके क्या आ रहा है ये ऐसे आ रहा है ना अलेवन पॉइंट अलेवन फोर्थ सेवन पॉइंट एट टू नाइन एट फाइव तो हम लोगों ने क्या करना है वी डोंट वांट टू राइट ऑल ऑफ द डोज डिजिट्स इन आंसर हम सबको नहीं लिखते रहेंगे ओके okay? हम लोगों ने ये मेथड पहले भी पढ़े हुए हैं राउंडिंग टू द नियरेस्ट टेंथ ऑफ द फिगर इज द सम इज रिटर्न एस तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं यानी वन uh, अलेवन फोर्टी सेवन पॉइंट एट लिख दूंगी ठीक है ज्यादा लंबा नहीं लिखना मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन हम लोग कैसे करते हैं व्हेन क्वांटिटीज आर मट्टीप्लाई टू डिवाइड द रिजल्ट हैज अ सेम नंबर ऑफ सिंगल फिगर्स एज द क्वांटिटी विद द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ सिंगल फिगर्स इसमें हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे तब आपको समझ आएगी इसमें मैं यह कहा है कि जो हमारे पास जो मल्टीप्लाई डिवाइड करते हुए ना जो क्वेश्चन में, में जो स्मॉलर जिसमें सिग्निफिकेंट फिगर होगा ना उसके मुताबिक हमने अपना आंसर को भी रखना होता है फॉर एग्जाम्पल आई कैलकुलेटर गिट्टी फाइव पॉइंट ट्वेंटी सिक्स इंटू टेन टू पॉइंट फोर वन वन जीरो नाइन पॉइंट एंड जीरो अगर एक कैलकुलेटर हमें ये मल्टीप्लाई करके क्या, क्या दे रहे हैं ये दे रहे हैं तो आंसर है शुड हैव ओनली द थ्री सिंगल फिगर्स वी राउंड द आंसर थ्री सिंगल फिगर क्यों होने चाहिए अब ये भी वजह होगी तो ये हमारे पास ये कितने सिंगल फिगर है इसमें हमारे पास कितने सिग्निफेंट फिगर है फोर है और इसमें हमारे पास कितने हैं थ्री है अभी हमने पढ़ा है कि आंसर में हमारे पास मल्टीप्लाई डिवाइड करते हुए द रिजल्ट हैज़ द सेम नंबर ऑफ सिग्नीफेंट फिगर्स एज द क्वान्टिटी विदिन द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ़ सिग्निफेंट फिगर इस क्वान्टिटी में सबसे कम हमारे पास किस में है थ्री है या फोर है तो आपका आंसर क्या होगा थ्री होगा तो फिर इसको हम लोग थ्री सिग्नीफेंट फिगर रखेंगे ओके इन साइंटिफिक नोटेशन वी राइट इस इसको साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिख सकते हैं वन पॉइंट जीरो इं टेन टू टू लेकिन जब लोग पॉइंट को पीछे की तरफ लेके जाएंगे तो हमारे पास नेगेटिव साइन के साथ आएगा तो इसके बाद हमारे पास टिप्स कुछ गिवन है ब्लू बॉक्स में इसको हम लोग पढ़ते हैं इन अ सीरीज कैलकुलेशन राउंडिंग टू द करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स शुड बी डन ओनली एट द एंड यानी जो हम लोगों ने राउंडिंग वगैरह कर करनी थी वो लास्ट में करना चाहिए नॉट एट ई स्टेप हमें हर स्टेप में नहीं करना चाहिए राउंडिंग एट ई स्टेप वुड इंक्रीज द चांसेस ऑफ राउंड दैट राउंड ऑफ़ एरर कुड स्नो बॉल एंड हैव एन एडवर्स इफेक्ट ऑन दुरेसी ऑफ द फाइनल आंसर इसकी वजह से हम लोग जो बार बार स्टेप uh, के बाद स्टेप हर स्टेप के बाद हम लोग जो राउंड ऑफ करते रहते हैं ना उस वजह से ये चांसेस भी हो सकते हैं कि आप लोगों के आंसर भी गलत आ जाए इट्स अ गुड आइडिया टू कीप एटलीस्ट टू एक्स्ट्रा डिजिट एक्स्ट्रा सिंग्ल फिगर्स इन अ कैलकुलेशन दैन राउंड एट एंड यानी हमें ये एक ये एक अच्छा तरीका है कि हम लोग को अपने आंसर में जिस तरह मेरे पास आंसर आए थर्टी फोर पॉइंट थ्री फाइव नाइन एट तो मैं इन दोनों को छोड़कर ये दो रखूँ और अपना जो राउंडिंग ऑफ का मैथड है वो मैं सबसे लास्ट पर करूँ लास्ट वाले स्टेप में आंसर के आखिरी स्टेप में ओके okay? तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे लेक्चर कंप्लीट होता है बहुत ही आसान लेक्चर था आप लोगों ने इस होल टॉपिक को दोबारा खुद से रीड आउट करना है और लेक्चर पसंद आए तो लाइक करें दूसरों के साथ भी शेयर करें चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में तब तक के लिए अल्लाह